क्या आप जानते हैं कि थॉमस अल्वा एडिसन बल्ब बनाते वक्त कितनी बार फेल हुए थे? क्या आप जानते हैं कि वॉरेन बफेट ने इन्वेस्टिंग कब स्टार्ट की थी? क्या आप जानते हैं कि मैकडोनाल्ड की शुरुआत कब हुई थी? नमस्कार मित्रों, मैं डेनिस कॉलोडिया पावर अप ऑयल एंड ग्रीस की तरफ से एक बार फिर से हाजिर हूँ एक नए और बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के साथ। अगर कोई फेल होता है तो उसका मतलब ये नहीं कि वो आगे चल के सक्सेसफुल नहीं होगा। आप देख सकते हैं कि जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, टाटा, बिरला, रिलायंस, अदानी, ये जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं वो भी कई बार फेल हुई है, लेकिन आज वो इंडिया की टॉप कंपनीज में से एक है। तो इससे हमें ये सीखना चाहिए कि कई बार फेल होने के बाद भी हम सक्सेसफुल हो सकते हैं विथ प्रॉपर डेडिकेशन एंड हार्डवर्क। थॉमस अल्वा एडिसन ने कहा था कि मैं 10,000 बार फेल नहीं हुआ, मैंने 10,000 ऐसी सक्सेसफुल तरकीबें ढूंढी है जो कि काम नहीं करेगी। अगर आप अपना बिजनेस बढ़ा रहे हैं तो हो सकता है कि आप उसमें फेल हो जाए, या फिर हो सकता है कि आपको बीच में ही ऐसा लगे कि मुझे नहीं करना, मैं छोड़ दूंगा। लेकिन आपको क्या पता कि आपकी अगली ट्राई आपको सक्सेस दिला सकती है। सक्सेसफुल होने की उम्मीद मत करो, सक्सेसफुल होने की उम्मीद मत करो, सक्सेसफुल होने की जिद रखो, और यही जिद आपको आगे चल के सक्सेस दिलाएगी। टुडे इज द बेस्ट डे टू स्टार्ट अ बिजनेस, क्योंकि बिजनेस को शुरू या बड़ा करने के लिए आपकी एज क्या है, आपके पास कितने पैसे हैं, ये देखा नहीं जाता। वॉरेन बफेट ने 11 साल की उम्र से इन्वेस्टिंग स्टार्ट कर दिया था और 30 साल की उम्र तक वो बिलियनेयर बने, जबकि रिचर्ड मैकडोनाल्ड ने तो 1948 में 39 साल की उम्र से अपना पहला रेस्टोरेंट ओपन किया। तो इसका मतलब ये है, एज डजंट मैटर व्हेन यू आर डेवलपिंग अ बिजनेस, द ओनली मैटर इज हाउ यू आर डेडिकेटेड टू द बिजनेस। इफ यू वांट टू शाइन लाइक द सन, सो फर्स्ट लर्न टू बर्न लाइक द सन। इन लास्ट, कीप डेवलपिंग योर बिजनेस, कीप योर सेल्फ मोटिवेटेड एंड गिव योर बेस्ट। थैंक यू। जय हिंद।